अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा होगा कि घर के कोना में या छत के कोने में मकड़ी का जाला होता है। तो मकड़ी का जाला अगर घर में रहता है तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। और कभी कभी आप देखिएगा कि घर की सफाई भी लोग जो करते हैं तो नीचे जमीन पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, छत के जो कोना वगैरह, जो दरवाजा का कोना वगैरह होता है, उन जगहों पर आप देखिएगा मकड़ी का जाला होता है, उसे साफ नहीं करते हैं। सबसे पहली बात आप इसको जानिए, सफाई करना ये ईमान का हिस्सा है। तो आप घर को हमेशा साफ सुथरा जब भी कीजिए तो मकड़ी का जाला वगैरह जो है उसे भी आप ख़त्म कर दीजिए, उससे भी मिसमार कर दीजिए। क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है, यह हदीस मुबारक है कि आम मकड़ियों का जाला जो घर में होता है तो उसे मिसमार कर दो, ख़त्म कर दो, मकड़ियों को ख़त्म कर दो, तो इसलिए उसे ख़त्म कर देना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सहाबी ने ये पूछा था कि हुज़ूर मकड़ी के जाला के बारे में आप बताएं, तो हज़रत अली ने फरमाया था कि मकड़ी का जाला अगर घर में रहता है तो उसे ख़त्म कर दो। क्योंकि कुछ जानवरों के हज़रत अली ने नाम भी फरमाया था कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया है, उसमें बिच्छू वगैरह भी है और बहुत सारे जानवर हैं, उसमें खंजीर भी आता है, तो उन जानवरों के चेहरे को बिगाड़ दिया गया, अल्लाह ताला ने बिगाड़ दिया है। और फरमाया था कि अगर मकड़ी का जाला घर में होता है तो उसे मिसमार कर दो, ख़त्म कर दो, इसलिए कि उससे घर में गरीबी आती है, गुर्बत आती है। तो अगर आप भी देख रहे हैं कि कमाई वगैरह में बरकत नहीं हो रही है तो इसका एक कारण यह भी है कि आप सफाई अच्छे से करें घर की, जब मकड़ी का जाला वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दें उसके बाद फिर देखें इंशाल्लाह तबारक व ताला आपकी आमदनी में ज़रूर इजाफा होगा, ज़रूर बरकतें आपको समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।